गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक और धमाकेदार मशीन है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि मशीन जितनी अच्छी है प्रोडक्ट और साथ में उसका डिमांड और उसका इस्तेमाल भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आज मैं अगर बात करूँ हर गांव में, हर शहर में, हर फार्म हाउस में, हर जगह इस प्रोडक्ट का डिमांड है और आज बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक कांटेदार जाली आप देख सकते हो जो कि बनकर आपका तैयार होता है। इसका ज़रूरत क्या है ये मैं आपको बताऊँ, इससे मुझे लगता है आपको बेहतर पता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा प्रॉफिट मार्जिन की। अगर आप ये मशीन लगाते हो तो ये मशीन ऑटोमेटिक काम करता है और आपको सारा का सारा प्रोडक्ट तैयार करके देता है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट मार्जिन की तो यहाँ पर इसका जो कच्चा माल है वो आपको 50 से 52 रुपये किलो मिलता है और जो बनकर तैयार होता है वो 55 से 57 रुपये किलो, डिपेंड करता है मार्केट कैसा उसके ऊपर। और अगर आप इस पर अकेले भी काम करते हो तो दिन के 800 से 900 किलो का माल तैयार कर सकते हो। आप सोचो 1 किलो पर 5 रुपये, मतलब एक दिन का 4,500 रुपये प्रॉफिट हुआ। और सोच के देखो कि जब इतना प्रॉफिट आपको घर बैठे सिंगल फेज ऑपरेट करके मिल जाए तो मैं मानता हूँ इससे बेहतर और इससे इम्पॉर्टेंट और इससे अच्छी बात इस टाइम में आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती। यहाँ पर सर मेरे साथ में, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये मशीन क्या है और कैसे काम करता है। सर ये जो मशीन है ये है जाली वाली मशीन है। अच्छा। जो ये क्या है कि पार्किंग के अंदर आपने देखा होगा कि जहाँ पार्किंग गाड़ियाँ होती है उनके बाउंड्री की तरफ लगती है, दूसरा रोड पे डिवाइडर के अंदर बीच में जहाँ हरी घास लगती है वहाँ भी इसका यूज किया जाता है, तीसरा किसान अधिकतर जो जानवर से परेशान रहते हैं ठीक है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये मशीन एक ऐसी सदाबहार मशीन है जिसकी हर जगह हर भाई को जरूरत है। अच्छा ठीक है, और मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई आज ये काम स्टार्ट करता है तो उसको मटेरियल कहाँ से मिलेगा? इसका मटेरियल कहीं भी मिल सकता है क्योंकि ये इसका मटेरियल वो वाला मटेरियल नहीं है जो बाहर से आया जाए। अच्छा। ठीक है, इसका मटेरियल तार है सिंपली। ओके। आप देखें ये तार हर गांव में हर जगह उपलब्ध होता है क्योंकि है? इस तार की डिमांड बहुत काम में आता है, ये तार हर काम में ये तार आता है। ओके ओके, और इससे हम किस तरह की कांटेदार जालियां बना सकते हैं सर? ठीक है, ये जो कांटेदार जाली है ये भी इसी तरीके काम आती है, पर जहाँ बड़े जानवर परेशान करते हैं, जहाँ चोरी चकारी का डर होता है, जहाँ ऊपर बाउंड्री के ऊपर लगाया जाता है तो ये कांटेदार तार वहाँ काम आता है। अच्छा। और इससे बहुत ही ज्यादा सेफ्टी होती है। ओके। हद से ज्यादा। सर मैं अगर बात करूँ कि कोई अकेला पर्सन है और वो चाहता है कि मैं अकेले काम करूँ तो क्या उसके लिए इस मशीन को ऑपरेट करना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, अच्छे से काम कर सकता है अकेला आदमी करना चाहे तो, क्योंकि दोनों मशीन अलग अलग है। ठीक है, इस मशीन पे एक आदमी अलग काम कर सकता है, इस मशीन पे एक आदमी अलग काम कर सकता है। ओके। और एक ही बंदा चाहे कि दोनों मशीन लेके काम करे तो एक बंद करके एक चालू कर सकता है करने वाला। ओके। क्योंकि इसकी डिमांड जो है ना दोनों तार की हर जगह है। अच्छा, और मैं बात करूँ जो आपका ये मटेरियल है इसमें भी कुछ क्वालिटी वगैरह आता है क्या? हाँ इसमें क्वालिटी वगैरह आता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माल मिलता है और अलग अलग रेट आता है। ओके, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह कि कोई भी मशीन लेकर बिजनेस स्टार्ट करे उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं इसका मटेरियल जो बनकर तैयार होगा, क्योंकि 100-200 किलो की अलग बात होती है, बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में है, मैं उसकी सेलिंग कैसे करूँगा, कौन मुझसे खरीदेगा, मार्केट में दुकानों पे ऑलरेडी लोग दे रहे हैं तो वो उनका छोड़ के मेरा क्यों लेंगे? देखो सर पहले तो होता है क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके। दूसरी बात समंदर में उतर के देखना पड़ता है गहराई कितनी है, ठीक है ना, आप इस माल को देखो ठीक है कि इसकी डिमांड कितनी है, अगर आपके गाँव में क्षेत्र में अगर आपने नहीं देखा हो तो बताना, और इसकी जरूरत हर जगह, अगर जरूरत है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मशीन कैसे काम करता है ताकि आपको बेहतर वे में पता चलेगा कि आप अगर ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो किस तरीके से काम करोगे और किस तरीके से आपको एसके इंडस्ट्रीज ये अनोखी मशीन देकर हेल्प करने वाली है। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से मशीन काम करती है। सर मैं अगर बात करूँ प्रोडक्शन की तो कितना हो जाता है इस मशीन से? सर देखो इसके अंदर 700 से 800 किलो आराम से बन सकता है, इसमें 1000 से 1100।
ओके, एक दिन में। ओके, और अगर मैं बात करूं कि अगर इसको हम ऑपरेट करते हैं तो हमारा लेबर और साथ में मटेरियल, वो तो जगह के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रिसिटी की, वो कितना कंज्यूम हो जाता है? सिंगल फेस है, आप कहीं भी लगा सकते हो, अगर घर में लगाना चाहो तो घर में भी ये आराम से काम कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको आप गाँव के क्षेत्र में लगाओ, जहाँ दूर दूर जहाँ लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये उद्योग एक ऐसे उद्योग है कि बहुत कम जगह ऐसे उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। बाहर से जो माल आ रहा है ना, वो डबल रेट का आता है, जो अपने यहाँ पोस्टे पोस्टे महंगा हो जाता है। आप अगर अपने गांव में लगाओगे तो जो मार्केट में बाजार से माल आ रहा है ना, उससे भी आप बहुत सस्ता मार्केट में उनको उपलब्ध करा सकते हो। ओके, और अगर मैं बात करूं कोई आपसे मशीन लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सर, मशीन लेने के लिए हर सुविधा है हमारे पास उपलब्ध है, ऑल ओवर इंडिया। 37,000 पिन कोड के ऊपर हम सप्लाई करते हैं, आपको जहाँ चाहिए वहाँ मशीन मिल जाएगी। आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट देना होगा, जिसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। आप मशीन वहाँ मंगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ आकर देख भी सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से लेकर भी जा सकते हैं। तो गाइस, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी आप ले सकते हो। मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल हैं, एक वीडियो में ना सर के लिए पॉसिबल है जवाब दे पाना और ना मेरे लिए पूछना पॉसिबल है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इस नंबर पे कॉल करो, पूरी जानकारी लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको एसके इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा का एड्रेस, आप यहां पर आओ। एसके इंडस्ट्री पिछले 20 साल से लगातार छोटे बड़े उद्योग की जानकारी दे रही है, आप नहीं आ सको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहीं से भी आप काम करो, सारी मशीनों की जानकारी लो। लेना ना लेना बहुत बड़ी बात है, जरूरी नहीं कि आप मशीन लो, पर जानकारी लो। हमारा टोटल कोलिंग स्टाफ आपको पूरी मशीनों की जानकारी देगा और हर एक मशीन के बारे में छोटी से छोटी बात बताएगा। तो गाइस, मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।